सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कस बानू मामले के सभी दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन को 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन इस बीच 11 में से 9 आरोपियों के घर पर ताला लटका हुआ है और अभी तक किसी का कोई अता पता नहीं। इस पर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल पर लिखा कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने बिल्कस बानू मामले से जुड़े जिन अपराधियों को जेल से छुड़वाया था वो अब लापता हैं। पुलिस उनको खोज रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इन अपराधियों को वापस जेल भेजने से जुड़ा आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार की मेहरबानी से अब ये गायब है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी अपराधियों बलात्कारियों को बचाती है और संरक्षण देती है। यही है बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा। बता दें कि कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। 2002 के दंगों के दौरान बिल्कस बानू से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के लिए राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को खारिज कर दिया गया। साथ ही सभी दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रंधिकपुर सिंगवाड़ गांव में दोषियों के घरों पर ताले लगे हुए हैं और पहरे पर एक पुलिसकर्मी तैनात है। बिल्कस बानू के 11 दोषियों में से कम 9 इन्हीं गांवों में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद कोई भी दोषी अपने घर पर नहीं मिला और उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर खामोश हैं। सोमवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि सजा में छूट का गुजरात सरकार का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया और पूछा कि क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के मामलों में सजा में छूट देने की अनुमति है, चाहे वो महिला किसी भी धर्म या पंथ को मानती हो। घटना के वक्त बिल्कस बानू 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। बानू से गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद 2002 में भड़के दंगे के दौरान दुष्कर्म किया गया था। दंगों में मारे गए उनके परिवार के 7 सदस्यों में से उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट दी थी और उन्हें रिहा कर दिया था। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि पड़ोसी और गांव के व्यस्त चौराहे के दुकानदार इसकी पुष्टि करते हैं कि रविवार तक लगभग सभी दोषियों को सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जिनमें राधेश्याम भी शामिल था। भगवान दास ने दावा किया कि वे नहीं जानता कि राधेश्याम कहाँ है। इनमें से प्रत्येक के बंद घर के बाहर एक अकेला कांस्टेबल तैनात है, जो सोमवार के फैसले के आलोक में पुलिस बंदोबस्त का एक हिस्सा है।